सो ही गाइज वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। एंड गाइज काफ़ी टाइम बाद हम 1v1 कस्टम की वीडियो ला रहे हैं जहां हम देखने वाले जोरोर वर्सेस जोरोर का मैच, और ये मैच काफ़ी क्रेजी होने वाली है क्योंकि जोरोर प्लेयर्स जो बैटल करते हुए काफ़ी इंसेन होती है। अरे यहां पे मुझे लगा था दोनों टीम से सेंटर ऑक्यूपाई होगा, बट यहाँ पे ओग्जो में जो है वे बॉटम फार्म ले रहा है और जो हमारा एडोनिस है वे सेंट्रल फार्म ले रहा है। तो देखते कैसे ये मैच को विन करते हैं, बट उससे पहले छोटी सी मैं बात कर लेता हूँ आप तक, जब तक ये अपना फार्म ऑक्यूपाई कर रहे हैं, क्या आपको लगता है ऐसी और वीडियोस चैनल पे अपलोड होनी चाहिए जहाँ पे आपके पास 1v1 वीडियोस हो या 2v2, 3v3, जैसी आपकी मर्जी हो। उसके लिए भाई इस वीडियो पे 200 का लाइक एम रखते हैं। अगर आप कंप्लीट करवा देते हो तो इसका मैं पार्ट 2 लाऊंगा, जिसके अंदर आपको कोई और से पोकेमोन देखने को मिलेंगे बैटल के दौरान, और इसके अंदर एक चांसेस है कि आप खुद बैटल करोगे, आपका गेम स्किल आपके भाई के चैनल पे यहाँ पे देखने को मिलेगा, अदर प्लेयर्स को कहीं ना कहीं वे उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे, उनका गेम स्किल इम्प्रूव होगा। तो बट ये आप पे 200 का लाइक है मैं इसके पार्ट 2 के लिए, और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर मुझे चाहिए कि भाई 1v1 का पार्ट 2 लाओ या 2v2 का पार्ट 2 लाओ, हम भी खेलेंगे। तो आप कैसे खेल सकते हो, ये तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन करोगे ना तो वहाँ पे काफ़ी क्रेजी होने वाला। आप देखो दोनों सामने और दोनों ही फेंट अटैक चला रहे हैं। आई देखो 1v1 में फेंट अटैक आई थिंक बैटर मूव है, और यहाँ पे भाई 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 ओग्जोम तो भाई काफ़ी अच्छा डैमेज प्रोवाइड कर रहा है। लेवल की बात करें तो दोनों के लेवल फिलहाल तो सेम है सामने, तो भाई दोनों अब देखना यही बनता है कि फाइट पहले कौन लगता है। अरे ओग्जोम भाई बैक हो गया, अरे फाइट देखने को मिली गई दोबारा। एंड यहाँ पे एक अच्छा डिसीजन था, आई थिंक एक्स अटैक ऑन था, नहीं ऑन था, बट बैक करके आप देख लेना एक्स अटैक इन्होंने ऑन किया, क्योंकि ओग्जोम ने तो एक्स अटैक लगाया और एडोनिस ने आई थिंक फुल हील लगाया। तो फिर से वे सेंट्रल फार्म ऑक्यूपाई कर रहे हैं अपना, और यहाँ पे स्टैक सारे कंप्लीट हो रखे ओग्जोम के, होप सो इन्होंने अटैक वेट लगाया हो अपने पे, तभी तो स्कोर कर रहे हैं। और एडोनिस अपना सेंट्रल फार्म ऑक्यूपाई कर रहे हैं, यहाँ तक तो अभी तक जितना भी मैच है वे ओग्जोम के हाथ में है। और यहाँ पे मुझे ये फेंट अटैक हो नाइस या हुई काफ़ी अच्छा भाई ओग्जोम भाई ओपी। यहाँ पे दोबारा इन्होंने एक किल ऑक्यूपाई कर लिया अपना, आई थिंक ये सेकंड किल है इनका, और यहाँ पे फिर से अपना सेंटर भी ले रहे हैं। और इनका मेल्टिंग स्पीड काफ़ी क्रेजी है भाई, जोरोर का मेल्टिंग स्पीड आई लव इसका मेल्टिंग स्पीड। वहीं पे कुछ प्लेयर को मैं बता दूँ, गैराडोस जो अपना न्यू पोकेमोन है वे मेल्ट करता है सेंटर को 2 मिनट में, या 2 मिनट काफ़ी टाइम लगते हैं उसको, और कहीं जो हमारे ऑलमोस्ट अदर पोकेमोन है वे 1 मिनट कुछ सेकेंड्स में मेल्ट कर देते हैं। यहाँ पे लगता है हमें दोबारा रिफाइट देखने को मिलने वाली है। ओ भाई इन दोनों का फेंट अटैक काफ़ी अच्छा यूज़ हो रहा है। सो यहाँ पे फुल हील तो यूज़ कर ले कि एडोनिस बच पाएंगे, यार एडोनिस बच नहीं पाए। एंड ओग्जोम का ये टार्ड किल है, एंड यहाँ पे इसका लेवल हो चुका है इसी के साथ साथ 11 और 9 लेवल है एडोनिस का, और उसके साथ आप लेवल अप देखो तो ये तो डिप हो ही रखा है, बाद में इसकी मेल्टिंग स्पीड वे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वैसे दोनों ही काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं यूनाइट के, ऐसा मैं कहूँगा इन पोकेमोन में नहीं, बट ऑलमोस्ट मैंने इनके साथ बहुत सारे गेम प्ले किए हैं, दोनों ही भाई काफ़ी क्रेजी खेलते हैं पोकेमोन्स के साथ। और यहाँ पे एडोनिस छुपे, आई थिंक ये फैंड अटैक यूज़ कर दिया, आई थिंक मिस हो गया क्या इनका, ओके यूनाइट मूव उसने भी यूज़ कर लिया, दोनों का यूनाइट मूव यूज़ है, बट ओग्जोम के पास एक्स अटैक का एडवांटेज है। और यहाँ पे आई थिंक बैक हो गए, एचपी काफ़ी कम है और सिट, और यहाँ पे मुझे लगता है फेंट अटैक जब यूज़ होता है ना तो उनकी एचपी भी रिस्टोर होती है कहीं ना कहीं। वैसे क्या लगता है आपको, एचपी रिस्टोर होती है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और यहाँ पे लेवल 12 हो चुका है, मेल्ट पे मेल्ट किए जा रहे हैं भाई। एक चीज़ सही है, अगर आप ऐसे पोकेमोन्स प्ले करते हो जो कि हायर अटैक ग्रांट करते हैं बट इनकी एचपी लो होती है, तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है, फार्मिंग अपना फार्मिंग लेते रहो यार, फार्मिंग आप अगर मिस करते हो तो लेवल डिप होगा एंड एक टाइम के बाद आप इन गेम कुछ नहीं कर पाओगे। एंड यहाँ पे का फार्म वैसे ऑक्यूपाई करना मना था, और मुझे जहाँ तक दिख रहा है एडोनिस टॉप पे गया है, हमने मतलब कहा था कि सेंटर और बॉटम का करेंगे, क्योंकि ज़्यादा अगर हम लेन बढ़ाएंगे ना तो गेम थोड़ा डिसबैलेंस सा हो जाता है। वैसे गोल नहीं किया, चाहते तो गोल भी कर सकते, बट यहाँ पर लेवल थोड़ा उन्होंने लिया है बाकी। ओके एक और यूनाइट मूव, एंड ये यूनाइट मूव आई थिंक सही लगा था, दोनों का यूनाइट मूव इस बार सही लगा। एंड यहाँ पे ओके ओग्जोम यहाँ पे किल तो कर लिए, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं चांसेस था कि एडोनिस भी इसे किल कर देते, दोनों का यूनाइट मूव एक साथ सही लगा। एंड यहाँ पे फेंट अटैक दोबारा यूज़ कर रहे हैं, एंड यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है एचपी तो रिस्टोर होती नहीं दिख रही मुझे जहाँ तक लग रहा है। ओके नहीं, मुझे तो नहीं लगता ज़्यादा एचपी रिस्टोर हुआ है फेंट अटैक के साथ, या होता ही नहीं है,
क्योंकि मैं तो भाई प्ले नहीं करता। बाकी नाइट स्लैश कितने प्लेयर अभी यूज़ करते हैं इसका नाइट स्लैश, मैंने जहाँ तक रैंक मैच में देखा है ना अभी तक सारे प्लेयर सिर्फ पेंट अटैक ही यूज़ करते हैं इसका। एंड यहाँ पे दोनों फार्म तो ले रहे हैं बट यहाँ पे एक डिसएडवांटेज हो रखी है क्योंकि ओग्जोम का लेवल 15 हो रखा है तो इसके सारे मूव प्लस में चले गए होंगे। एंड एडोनिस का भी लेवल 12 है 13 आई थिंक, अब इसका मूव प्लस हो गया होगा सारे। ओके दोबारा रिफाइट, फेंट अटैक के साथ रिफाइट देखने में कितना मज़ा आता है भाई, गोल गोल हर जगह पड़े हुए दोनों वेट कर रहे हैं। ओके नाइस यार, दोनों के फेंट अटैक जब ओपन होते हैं मज़ा आता है एक दूसरे पे दोनों जब चलाते हैं। ओके दोनों ने अपना यूनाइट यूज़ कर लिया, इल्यूजन भी यूज़ कर लिया। इल्यूजन का काफ़ी अच्छा फ़ायदा ये है कि जब तक मतलब इल्यूजन आप यूज़ करोगे तो हाईएस्ट डैमेज वाला मूव भी आपको कुछ ज़्यादा डैमेज प्रोवाइड नहीं कर पाता, तो ये काफ़ी क्रेजी एबिलिटी है। हर पोकेमोन की अपनी कुछ ना कुछ एबिलिटी होती है जिसमें भाई ज़रूर टॉप की एबिलिटी रखता है अपने पास, बट मुझे लगता है मोस्ट प्लेयर इसे यूज़ नहीं कर पाते करेक्ट वे में एंड ये डिसएडवांटेज हो जाता है। बाकी ये दोनों तो काफ़ी क्रेजी यूज़ करते हैं, दोनों ही प्लेयर काफ़ी ओपी प्ले कर रहे हैं अभी तक। लेवल स्कोर इन्होंने सिर्फ अभी स्कोर पे इन्होंने वैसे देखो तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जो भी दिया इन्होंने बैटल पे दिया, फार्म पे दिया। एंड यहाँ पे एडोनिस ने किल कर दिया ओग्जोम को एंड काफ़ी अच्छा चांस है इनके पास स्कोर करने का एंड अपने सारे स्टैक भी ये कंप्लीट कर लेंगे अगर इन्होंने नहीं किया, क्योंकि देखो आई थिंक पूरे स्टैक यहाँ पे कंप्लीट होने वाले हैं इनके। और यहाँ पे टाइमिंग देखो तो टाइमिंग 2 मिनट हो चुके हैं, तो जो भी ये स्कोर कर रहे हुए अपने आप ही 2x हो रहे हैं जो कि इनको एक एडवांटेज ग्रैंड कर दिया लास्ट फाइट में। आई थिंक अब यहाँ पे एडोनिस विन कर सकते हैं क्योंकि इनका स्कोर 85 हो चुका है, वहीं पे ओग्जोम 51 के स्कोर के साथ है। एंड यहाँ पे एक रीफाइट होने वाली है और इस रीफाइट में जो भी विन करेगा वह पक्का इस गेम का विनर होने वाला है। एंड यहाँ पे दोनों का फेंट अटैक मिस हो गया, आई थिंक एडोनिस का तो मिस हो गया। ओग्जोम क्या करने का ट्राई कर रहे हैं, ओग्जोम यहाँ पे स्कोर करने का ट्राई कर रहे हैं एंड एडोनिस आ रहे हैं उसके बैक, तो स्कोर यहाँ पे हो चुका है। तो लेवल का तो यहाँ पे जो स्कोर का डिफरेंस क्रिएट कर दिया है, एल्ट यहाँ पे यूज़ हो चुकी है, एडोनिस ने अपनी एल्ट यूज़ नहीं की आई थिंक। ओग्जोम के पास अभी यहाँ पे हाई लीड है एंड आई डोंट थिंक सो अब यहाँ से ये बेस से कहीं जाने वाले, अगर एडोनिस रिक्वेजा लेंगे तो वे विन कर सकते हैं और बट मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है वैसा अभी होने वाला तो नहीं है। आई थिंक एडोनिस सेंटर तो पहुंच चुके हैं एंड वे फार्म ही कर रहे हैं सेंटर में देखा जाए तो अपने यूनाइट मूव ओपन करने के लिए। एडोनिस अपना प्रोटेक्टिव में रखे जोन को क्योंकि उनको पता है सिर्फ सेंटर और बॉटम जोन है, तो कहीं ना कहीं बॉटम जोन ही आएगा वे स्कोर करने के लिए, इसीलिए वे अपना रेडी है यहाँ पे फेंट अटैक के साथ। ओके यूनाइट मूव यूज़ हो चुका है एडोनिस का एंड यहाँ पे एचपी काफ़ी कम है ओग्जोम की, ओग्जोम यहाँ पे फाइट ज़्यादा वैसे ले नहीं रहे एंड यहाँ पे भी थोड़ा ट्राई कर रहे कि स्कोर ना डालने थे। एंड यहाँ पे किल हो गए लास्ट टाइम में बट कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि जो चाहते थे वे तो कंप्लीट हो चुका है। स्कोर थोड़ा देख लेते कितना हुआ एंड डैमेज कितना निकला इनका, किलिंग 2 एंड यहाँ पे डैमेज देख लो 32K एंड 49K ओग्जोम का, तो काफ़ी अच्छा मैच गया। सो यार कमेंट में बताओ आपको कैसा लगा एंड पार्ट 2 इसका हम लाए कि नहीं लाए, और आप चाहते हो कि पार्ट 2 में आपका गेम प्ले शो हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं तो आपके रिस्पॉन्स के हिसाब से ही पार्ट 2 लाऊंगा इन वीडियोज़ का 1v1 या 2v2 जो भी होगा। टिल देन गाइस गुड बाय।